रायपुर रेलवे स्टेशन से मंगलवार को सुबह 10:30 बजे अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हो गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर आस्था स्पेशल ट्रेन को अयोध्या के लिए रवाना किया। ट्रेन में सवार सभी 850 यात्री रायपुर संभाग के हैं। इस दौरान अयोध्या जाने वाले यात्रियों का स्वागत किया गया। वही जय श्री राम के नारे से रायपुर स्टेशन का माहौल राममय हो गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक राजेश मूणत सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी पर राजद नेता लालू प्रसाद के कोई परिवार नहीं वाले बयान पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पूरा देश मोदी जी का परिवार है। कि रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ आज से हो रहा है। आज पहला ये ट्रेन हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किए हैं। इसमें रायपुर संभाग के 850 राम भक्त, जिसमें माताएं बहनें भी हैं, सब अभी अयोध्या के लिए यहां पर रवाना हुए हैं। और इस अवसर पर हमारे मंत्रीगण भी हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के आदरणीय रामविचार नेताम जी हैं, आदरणीय दयालदास बघेल जी, हमारे डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, हमारे विधायकगण हैं मोतीलाल साहू जी और बहुत सारे विधायकगण हैं। सब लोग यहां पर आकर उनको विदाई दिए हैं, उनको शुभकामनाएं दिए हैं कि वो अच्छे से अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करके आए, छत्तीसगढ़ के लिए दुआ लेके आए, आशीर्वाद लेके आए। और ये सिर्फ अयोध्या ही नहीं, और भी जगह ये दर्शन करने के लिए ये लोग जाएंगे। और आज ये शुरुआत हुआ है और आगे बिलासपुर से भी ट्रेन रवाना होगा, अंबिकापुर से भी रवाना होगा। लगातार अब राम भक्तों के लिए रामलला दर्शन योजना में ट्रेन अयोध्या जाते रहेगा। हम लोग मंत्रिमंडल के साथ बहुत जल्दी जाने वाले हैं। आपने अपने उसको क्या कहना? अब देखिए, कुछ लोग विरोध करते हैं कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। अरे मोदी जी का तो पूरा देश है, 148 करोड़ लोग उनके परिवार के लोग हैं।